हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहां अपनी दीदी के इस समय आई हूं। और मॉर्निंग हो गया है क्योंकि रात को लिखुआ बनाना था, इसलिए थोड़ा रात भर हम लोग जगे थे, तो थोड़ा सा लेट उठे सुबह, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग भोर में नीचे आए हैं, ऊपर बनाना था। तो अब दीदी चाय बनाने जा रही हैं, चाय नाश्ता बनाने जा रही हैं। और नाश्ते में चलिए देखते हैं दीदी क्या बना रही हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ टीवी पे प्रोग्राम आएगा वो देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग छठ के लिए तैयारियां करेंगे। ब्रश ब्रश कर ली है और चीकू कहाँ चला गया? यहाँ देखिए टीवी पे छठ का गाना भी चलने लगा। ऊपर से लगा था चीकू दीदी। हाँ बोलो, क्या बना रही हो? यहाँ देखिए चाय बनने जा रहा है। और क्या बनाओगी दीदी? और क्या बनाओगी? पोहा? हाँ ठीक है, बताना पोहा बनाना। नहीं कोई नहीं है। इधर देखिए चीकू सुबह सुबह कितने अच्छे से बैठा हुआ है, दूध और ब्रेड खा रहा है। और इधर हम लोग भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और इधर हमारे गुरु महाराज जी का प्रोग्राम आ रहा है तो उसको भी देख रहे हैं। और इधर दीदी ब्रेकफास्ट में बनाई है पोहा मटर वाला। हम नहा धो चलते हैं, नहा धो के ऊपर थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भाभी जो है वो दौरा भर रही थी, तो फिर मैं उनकी हेल्प करने लगी। यहाँ देखिए वहाँ बनारस में ये लोग इस तरीके से पहले करती हैं, सारे उसमें हल्दी और चावल पीस के पूरे सूप में और दौरे में लगा लेती हैं। अभी लग जाएगा तो अपने एडिट कर लेंगे। जो टुकड़ा बना था उसमें सिंदूर लगाना है। कन्या का तो फेंकेगी नहीं, बल्टी में करके नारियल की हल्दी और चावल घोल था उसको लगा के, फिर आइपन बोला जाता है उसको, फिर रच्छा बांध के उसको रखा जा रहा है। फिर यहाँ सूप हम लोग सजा रहे हैं। सूप में सारे फल और जो चना भी खोया था सब कुछ हम लोग रख रहे हैं। यहाँ पे पूरा सात आठ सूप था और सब तैयारियाँ हो रहा है। सब तैयारी करके फिर हम लोग रेडी होके फिर निकलेंगे घाट के लिए। यहाँ पे मैं हेल्प कर रही हूँ। और यहाँ रेडी होके हम लोग निकल चले। हम लोग ई रिक्शे से जाएंगे उन लोग के साथ। और हम लोग जा रहे हैं गली में, इधर से भी रास्ता है उधर से भी है, तो हम लोग आगे से जा रहे हैं। वहाँ पे ई रिक्शा खड़ा है, उनके घर का ई रिक्शा है, उस पे हम लोग बैठ के जाएंगे सभी लोग साथ में। इस पर मैं सोची चलो क्यों नहीं बनारस चलते हैं, वहाँ का छठ पूजा देखते हैं। हम लोग बैठे और बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि हम लोग दूसरे के फंक्शन, मतलब दूसरे के घर गए हैं, दूसरे का वो अटेंड कर रहे हैं छठ पूजा, लगा कि अपना है। और यहाँ देखिए ई रिक्शा में हम लोग गाना चलाते पूरी श्रद्धा के साथ निकल पड़े घाट के लिए। यहाँ देखिए पूरा सड़क पे कितना भीड़ लगा हुआ है, सभी लोग घाट के लिए जा रहे हैं। और यहाँ मैच भी था उस दिन, तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्टर पे थाने के पास पूरा बड़ा सा प्रोजेक्टर टीवी लगा हुआ है, उसमें सभी लोग मैच एंजॉय कर रहे हैं, मैच देख रहे हैं। और फिर हम लोग
घर पर रास्ते में जा रहे हैं। फिर हम लोग घाट पहुंच चुके हैं। इधर ऑटो रिक्शा नहीं जा रहा था तो हम लोग दूर पैदल जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे अंदर घाट में। और इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, कई घाट है इसलिए इधर थोड़ा कम भीड़ था। सब मतलब अलग अलग जिसको जहाँ का सुविधा था, जिसके घर के पास से नज़दीक था उस घाट पर वो लोग मतलब गए हैं। यहाँ पे थोड़ा कम भीड़ था। यहाँ पे देखिए नाव तैयार है जाने के लिए। और यहाँ पे कुछ फंक्शन भी हो रहा था, कुछ भजन कीर्तन हो रहा था, तो यहाँ पे उसको भी मैंने शूट कर लिया। फिर हम लोग का जहाँ वेदी बना हुआ था उस तरफ हम लोग चल दिए। बनारस का घाट बहुत अच्छा लगता है। वीडियो थोड़ा सा लेट से आ रहा है, लेकिन वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा हम हैरान हो गए, इसलिए लेट हो गया। इसके लिए फ्रेंड सॉरी। हमारा वीडियो जरूर देखते हैं आप लोग कैसा लगा। दो बबल कितने का दे रही हो? 20 का ले लो बेटा, फिर आएंगे। और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ हो गई है उसी गली में जिधर से हम लोग आए थे। और पूरा पसीना पसीना हो गया, इतनी गर्मी होने हो रही थी भीड़ की वजह से। और फिर इधर डेड बॉडी भी जा रहा था क्योंकि इधर शमशान घाट भी है। और यही वीडियो को एंड करते हैं।